नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बेकौफ अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं घटनास्थल पर भीड़ जुट गई है, परिजनों ने भी काफी कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। वहीं महुआ थाना क्षेत्र के मधौल पंचायत के चक फतेह की यह घटना है। नीतू कुमारी पिता सुनील कुमार सिंह, यह घटना लगभग 11 बजे के करीब हुआ है। कोचिंग सेंटर से घर जाने वक्त यह घटना घटी है। लगभग महुआ बाजार को 3 घंटे तक जाम रखा गया है। मौके पर पहुंचे विधायक मुकेश रोशन एवं SDPO पूनम केसरी इत्यादि लोग वहां पर मौजूद थे। त्रुत लाइव संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। बन रहे त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। जो जानकारी मिली है कि उसी कोचिंग सेंटर का कोई लड़का था जो वहाँ से निकल चुका है, उसके द्वारा गोली मारी गई है। परिवार वालों का है कि उनकी अरेस्टिंग की जाए, कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई की जाए। कोचिंग सेंटर पे भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि क्या सुरक्षा है, क्या इस तरह की घटना क्यों हुई। बाकी है, उस लड़के को हम लोगों ने टीम गठित किया हुआ है। इंस्पेक्टर महुआ अंचल है, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी गई है। विधायक जी भी आए थे, तो पूरे परिवार को आश्वासन दिया गया। उस घर के लड़के के घर में रेड भी कराया गया, लड़का अभी फरार है। तत्काल उसकी माँ को हम लोग पूछताछ के लिए लाए हैं। अब हमको पूरी उम्मीद है कि वो लड़का खुद सरेंडर कर देगा, क्योंकि जो दबाव बनाएंगे उस होगी इस पूरे केस के साथ, उसके हम लोग पे भरोसा रखें। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह हमने लगातार सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन एक तरफ जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो उसका हत्या हो जाता है, वो भी गोली मार करके, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। ये बहुत दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज हम लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे महुआ के जितने भी आम लोग हैं सभी लोग सड़क पर हैं, और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग उन परिवार के साथ खड़े रहने वाले हैं।